क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज चैप्टर सेवन हिस्ट्री क्लास एट क्वेश्चन एंसर ए मल्टीपल चोइस क्वेश्चन फर्स्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड प्रोडक्शन हाउसेस वेर नोन एज डिरेक्टली आंसर कारखाना है ठीक है सो ऑप्शन बी द फर्स्ट डैस 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 वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय तो ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कॉटन मिल आ जाएगा बी का फिल इन द ब्लैंक्स फिर से प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द हाउसेस इन डैश 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 डोमेस्टिक सिस्टम है वो फर्स्ट इंग्लिश सिप रीच सूरत ऑन 1608 है इन डैश 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 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द कैलिको एक्ट सेवेंटीन ट्वेंटी फो डैश डैश एस्टाब्लिश द टाटा आयरन स्टील कंपनी एट तो फर्स्ट यहाँ जमशेद जी टाटा होगा उसके बाद एट के बाद लास्ट में साक्षी जमशेदपुर ट्रेन फॉल्स एम्पेर अकबर ग्रांटेड परमिशन टू द ब्रिटिश टू सेट ऑफ़ फैक्ट्री एट सूरत ये जहांगीर ने दिए थे तो फॉल्स होगा मुगल इंडिया इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड हम इम्पोर्ट क्यों करेंगे हम लोग तो एक्सपोर्ट करते थे मुगल पीरियड में भी हम हाँ, मुगल लोग एक्सपोर्ट करते थे इम्पोर्ट नहीं तो फॉल्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द लेट एटीन सेंचुरी ट्रू। टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज द कैलिको एक्ट वॉज पास इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था ये ब्रिटिश लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए था तो ठीक है फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ब्रिटिश कॉमन इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड हैंडलूम होगा ठीक है इंडिया से जो टेक्सटाइल इंग्लैंड में जाता था उस पर टैक्स लगाया था बेंगाल कोल कंपनी वॉज स्टाबलिशिंग एटीन फोटी थ्री होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाट वॉज द डोमेस्टिक सिस्टम डोमेस्टिक सिस्टम वो था जिसमें प्रोडक्शन होता था घर घर में और मर्चेंट रॉ मेटेरियल सप्लाई करते थे ठीक है और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट जो होते थे दैट मीन जो सामान बन के तैयार होता था वो फिर मर्चेंट उन लोगों से कलेक्ट करके मार्केट में बिक्री करते थे यही था डोमेस्टिक सिस्टम हाउ वॉज़ इंडियन टेक्सटाइल क्लासीफाइड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड व्यापार के लिए जो इंडिया का जो टेक्सटाइल जो है इसको किस तरह से डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया था तो फॉर द पर्पज ऑफ़ ट्रेड ट्रेड के लिए इंडियन का टेक्सटाइल को डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया था दैट मीन्स डिफरेंट वेराइटी का कॉटन का टेक्सटाइल होते थे जैसे कि स्ट्रेप एंड चेक कॉटन प्लेन वाइट कॉटन होगा प्लेन डाइट कॉटन हो गया चिंच हो गया एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ हो गया सिल्क गुच्छ हो गया इस तरह से वाई वज सिटीज लाइक मुशीदबाद एंड का डीपॉपुलेटेड आफ्टर द अराइवल ऑफ़ द ब्रिटिश ब्रिटिश का अराइवल का किस तरह से डिपॉपुलेटेड हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने मशीन में टेक्सटाइल को इंपोर्ट किया इंग्लैंड से इंडिया में जो सस्ता भी था ठीक है इसीलिए लिए मुर्शिदाबाद जो एरिया है और भी बहुत सारा इस तरह का इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का सेंटर जो था वो डिक्लाइन हुआ ठीक है क्योंकि इसका प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट इसका जो प्रोडक्ट्स जो हो गया उसका डिमांड घट गया और पीपल इन्वॉल्व इन द क्राफ़्ट एक्टिविटी और जो लोग क्राफ्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वो लोगों का भी जॉब चला गया ठीक है क्योंकि डिमांड घट गया तो प्रोडक्शन का वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कम प्रोडक्शन भी वहाँ पर होने लगे तो इन लोगों का जॉब भी चला गया इसीलिए ये लोग अपना एग्रीकल्चरल फील्ड पर फिर से वापस लौट आए हाउ डिट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रूफ to be advantages for Indian steel industry, Indian steel industry के लिए First World War एक advantage, that means एक अच्छा ये opportunity लाया, जिसके कारण domestic uh, India, that means domestic demand भी बढ़ गया iron steel का, that means India में भी iron steel का demand बढ़ गया जो India में ही बनता है, और इसी तरह से British लोगों ने भी आयरन इन स्टील का डिमांड करने लगे क्योंकि ये लोग रेलवे लाइन्स वगैरह सेटअप कर रहे थे वहाँ के लिए लॉन्ग आंसर डिस्कस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में एटीन सेंचुरी लेट एटीन सेंचुरी में शुरू होती है और इंडस्ट्रियल रिवोलूशन वहाँ पर जनरली न्यू इन्वेंटेड मशीन्स का यूज़ हुआ है और प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होने लगे हैं और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को अगर देखेंगे तो ये ब्रिटेन जैसे कंट्री के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया बट इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये एक कॉर्स साबित हुआ दैट मीन्स श्राप साबित हुआ और मेनली ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्री को जो कंट्रोल करते थे तो कैपिटलिस्ट लोग दैट मीन्स जिनका पास पैसा होगा उन पास मशीन होगा बड़ा बड़ा प्रोडक्शन कर पाएंगे यही बात है वाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिश पॉलिसी का इम्पैक्ट uh, क्या रहेगा इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर तो इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ ड्रेस्टिकली और बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ वगैरह शट डाउन करना पड़ा बंद करना पड़ा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो था इसको भी कम्पटिशन फेस करना पड़ा इंडिया का जो इंडस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो हैंडमेड होता था इसीलिए कम्पीट करना पड़ा इन लोगों को बहुत टफ़ कम्पटिशन था जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट जो था तो चीप था इसीलिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थे बिगिनिंग में तो ये लोग हम लोग एक्सपोर्टर थे दैट इज फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर थे अब हम लोग सिर्फ रॉ मेटेरियल का सप्लायर बने और फिनिश प्रोडक्ट जो है हम लोग इम्पोर्ट करने लगे ডিসকস কন্ডিশন আপ ট্রি বিফোর দেন্ট ব্রিটিশ ব্রিটিশ পলে ইন্ডিয়া টেক্সটাইল ইন্ডস্ট্রি কন্ডিশন কসা থা ডেফিনেটলি আচ্ছা তা সুন্দর থা জি বিফোর দেন্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কনসিডর্ড বর্ড লার্জেস্ট প্রোডিউসর এক্সপোর্টর কটন এন্ড টেক্সটাইল यानी ब्रिटिश का आने से पहले इंडिया का जो टेक्सटाइल जो था वर्ल्ड में इसका डिमांड था हम लोग लार्जेस्ट रॉ कॉटन का सप्लायर भी थे दैट मीन्स एक्सपोर्टर भी थे और टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर भी थे ठीक है टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स लाइक मुर्दिदाबाद डाका प्रोड्यूस वर्ल्ड फेमस फैब्रिक बहुत दैट मीन्स वर्ल्ड फेमस टेक्स कपड़ा वगैरह हम लोग यहाँ बनाते थे और इंडियन टेक्सटाइल जो है ये हैवी डिमांड में था वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज में और ट्रेडिंग के लिए इंडिया का डिफरेंट जो टेक्सटाइल जो है इसको डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया था जैसे कि आपका वाइट कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ सिल्क गुच्छ एक्सेट्रा हाउ डिड द कमिंग ऑफ ब्रिटिश अफेक्ट द आयरन स्मिथ आयरन स्मिथ दैट मीन्स आयरन का काम करने वाले लोग आयरन का डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाले लो लोग स्टील बनाने लोगों का कंडीशन में क्या चेंजेस आया ब्रिटिश का रूल का टाइम में ठीक है आयरन स्मिथ हैड टू पे हाई टैक्स इन लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा तो इसीलिए ये लोग ये प्रोफेशन ही छोड़ दिए बहुतों तो ने और बहुत सारा आयरन स्पीच जो है ये लोग टाउन के तरफ चले गए कुछ जॉब तो मिले ठीक है और फॉरेस्ट एक्ट जो पास किया ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट एक्ट पास करने के बाद ये लोगों ने फॉरेस्ट में एंटर करना पूरी तरह से मना कर दिए तो ये जो आयरन स्मिथ जो है इन लोगों को चाहिए था तो कोल चाहिए ऊँट चाहिए आयरन का डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ये इन लोगों को नहीं मिला तो ये बड़ा परेशानी हुआ और आयरन स्टील प्रोडक्ट जो है ये इम्पोर्ट भी करते थे इंग्लिश लोग बाहर से ठीक है इसीलिए भी यहाँ कंपटीशन फेस करना पड़ा इंडिया का आयरन स्मिथ को डिस्कस द तो ग्रोथ ऑफ़ मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री ठीक है इंडिया का मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ किस तरह से हुआ है all, तो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जमशेद जी टाटा और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो थे चार्ल्स फिफ्थ तो नहीं यहाँ फिफ्थ हो गया है चार्ल्स विल्ट हो गया होना चाहिए ठीक है तो इसको करेक्ट कर लेना कंडक्टेड सर्वे होगा ऑफ़ द छत्तीसगढ़ रीजन इन सर्च ऑफ एन आइडल लोकेशन फॉर आयरन स्टील इन प्लांट तो जमशेद जी टाटा और एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो थे सिर्फ चार्ल्स लिख दो ठीक है ये दोनों ने सर्वे किया छत्तीसगढ़ रीजन में ठीक है ताकि वहाँ पर एक अच्छा सा आयरन स्टील का प्लांट सेटअप कर सके ठीक है तो वहाँ पर सौरभ हुआ है तो सौरभ नहीं सर्च होगा ठीक है कंडक्टेड सॉरी कंडक्टेड सर्वे होगा वहाँ पर ठीक है सौरभ जो लिखा है उसका जगह सर्वे होगा और जमशेद जी टाटा ने सेटअप करते आयरन स्टील कंपनी जिसको टिस्को का नाम से जानते वो प्रेजेंट का साक्षी एक टाउन है जमशेदपुर में वहाँ पर सेटअप किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में टिस्को का जो सप्लाई जो है बहुत ही बढ़ गया दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट जो है इसका डिमांड बढ़ गया और ये रेलवे लाइन्स वगैरह में भी अपना स्टील वगैरह सप्लाई करने लगे और ट्वेंटियथ सेंचुरी आते आते है बिगिनिंग ट्वेंटियथ सेंचुरी का दैट मीन्स ट्वेंटी सेंचुरी का बिगिनिंग में टिस्को जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना ब्रिटिश एम्पायर में हॉट्स में देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में तो ये खुद ही कर लेना इमेजिन योर सेल्फ एज अ टेक्सटाइल वीवर इन द नाइनटीन सेंचुरी इंडिया टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश फैक्ट्रीज आर फ्लॉडिंग द मार्केट हाउ वुड यू हैव एडजस्टेड एट द सिचुएशन दैट मीन्स आप कल्पना करो कि आप नाइनटीन सेंचुरी में एक टेक्सटाइल वीवर है ठीक है कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति है आप नाइनटीन सेंचुरी का ठीक है और टेक्सटाइल जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस होते थे मैन्युफैक्चर होते थे वो इंडिया का पूरा मार्केट में भरा हुआ है तो ऐसा सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते ठीक है तो ये अपना कंसेप्ट से लिखिएगा आपका अंडरस्टैंडिंग जैसा लगता है और इसी तरह से नंबर टू में डू यू थिंक सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज बाय इंडियंस हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन रियलिटी क्या आपको लगता है कि इंडियंस लोगों द्वारा जो फैक्ट्री सेटअप करवाया इसके कारण इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होने में हेल्प हुआ है यही कह रहा यही पूछ रहा है गिव रीजन टू सपोर्ट योर एंसर कारण बताओ तो सही uh, हम लोग लिख सकते हैं यस ब्रिटिश डिडन्ट ट्राई टू सेटअप स्टील प्लांट इन इंडिया ब्रिटिश लोगों ने तो इंडिया में स्टील प्लांट सेटअप करने का कोई ऐसा कोई प्लान ही नहीं किए ये लोग ने सिर्फ यहाँ से रॉ मेटेरियल लेके गए और फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों को थोपते रहे दैट मीन्स हम लोगों को बिक्री करते रहे ठीक है तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी एक इंडियन फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं, तो डेफिनेटली ये इंडियन फैक्ट्री सेटअप कर रहे तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा इंडिया को इंडस्ट्रियली डेवलप करने में हेल्प कराएगा ठीक है वैल्यू कॉर्नर में देखो इंडस्ट्रीज आर एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टूवर्ड्स प्रोग्रेस इंडस्ट्रीज जो है आ, किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डू यू थिंक दिस प्रोग्रेस शुड बी लेफ्ट ऑन क्या इस तरह का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहिए आपको लगता है तो इस पर रीजन दीजिए यस yes, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज जो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन होता है इसीलिए किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसको रोकना नहीं चाहिए उसको अच्छी तरह से ग्रो करने का चांस देना चाहिए ताकि ये बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट करते रहे और इंडस्ट्रीज रहेगा ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो हमारा कंट्री का जी भी बढ़ेगा ओके थैंक यू दिस मच क्वेश्चन आंसर ख़त्म